बिल्कुल, मैं तमाम जितने भी दोस्तों हैं मैं सबको कहना चाहूँगा कि मैं बिहार से हूँ, खगड़िया जिला से। निश्चित रूप से आप बेफिक्र होकर स्किल हिंदुस्तान आप ज्वाइन करें, और जो वादा सर ने किया था कि 15 से 30 दिन का ये कोर्स है, लेकिन सर ने वादा किया था कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको जॉब 100% मिलेगा, और बिल्कुल सर के जैसे बात सर ने बोला, निश्चित रूप से आज मुझे 20-21 दिन में जॉब मिला, एक अच्छा जॉब मिला है। हेलो फ्रेंड, अभी आप देख रहे हैं भाई, मेरे को मिली जॉब सिर्फ 23 दिन में। तो मैं अभी सौरव को एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि सौरव प्लीज़ यहाँ पर आएं और जो ये 23 दिन की जर्नी है इसके बारे में कुछ बताएं। सौरव जी बिल्कुल, इसको आप लीजिए और आराम से चिल होके थोड़ा सा इधर आ जाइए, आराम से चिल होके बताइए कि एक तो यहाँ पर आप हैं ही और यहाँ पे आप ग्रुप में ये दिख रहे हैं इधर जी, तो अपनी जो 23 दिन की जर्नी है उसके बारे में बताइए कि 30 दिन की जगह 23 दिन में आपको जो जॉब मिल गई है, आसानी से मिली, मुश्किल हुआ, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ से हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करें। बिल्कुल, मैं तमाम जितने भी दोस्तों हैं मैं सबको कहना चाहूँगा कि मैं बिहार से हूँ, खगड़िया जिला से। निश्चित रूप से आप बेफिक्र होकर स्किल हिंदुस्तान आप ज्वाइन करें, और जो वादा सर ने किया था कि 15 से 30 दिन का ये कोर्स है, लेकिन सर ने वादा किया था कि 15 से 20 दिन के अंदर आपको जॉब 100% मिलेगा, और बिल्कुल सर के जैसे बात सर ने बोला, निश्चित रूप से आज मुझे 20-21 दिन में जॉब मिला, एक अच्छा जॉब मिला है। और मैं स्कूल हिंदुस्तान और मैं सभी सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आज पहला इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, और सर का आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से आगे और बढ़ूँगा मैं। तो इसमें मतलब आपका कैसी रही जर्नी, अच्छी रही, स्टार्टिंग में क्या लग रहा था, मतलब पहले दिन आए कि जॉब मिलेगी, या मतलब थोड़ा सा बताओ। निश्चित रूप से सर, 3 साल सर डिप्लोमा किए, तो मैंने वहाँ कोई खास ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं था सर, लेकिन जब से मैंने स्किल हिंदुस्तान मतलब ज्वाइन किया सर, तो उसके बाद फर्स्ट दिन थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, लग रहा था कि मतलब पता नहीं ये हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर लोग ने सभी स्टूडेंट के प्रति काफ़ी अच्छा मेहनत किए, और निश्चित रूप से एक मेहनत होने के बावजूद अच्छा लगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे सर लग रहा था कि मैं आगे पॉजिटिव के साथ कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आज निश्चित रूप से आज 20-21 दिन में मैं उस मुकाम पर पहुँचा। कितने बच्चों का हुआ है, आप मतलब कल गए थे इंटरव्यू के लिए, कितने कल बच्चों का? लगभग 10 लड़के गए थे जिसमें से 5 का हुआ, और भी लड़के थे 25-30 जिसमें स्किल हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा लड़के का हुआ है निश्चित रूप से यहाँ पर। तो किस तरह की कंपनी है वो जहाँ जिसमें हुआ है? काफ़ी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब वो जिंदल EFS कंपनी है सर। काफ़ी अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जी सर, और ये एक एम्प्लॉय के लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। इसी तरह की बहुत और भी कंपनियां हैं जिसमें हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं जी सर हैं। बहुत सारे लड़के हैं अच्छे अच्छे जॉब कर। आपसे जो पीछे वाले बैच के बच्चे थे, आपका कौन सा बैच है? 11th बैच है सर। 11th बैच है, तो 10th बैच के कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? लगभग सर सभी का 100% जॉब मिल हो ही गया सर। okay. और 11th बैच में ही लगभग सर और कुछ बच्चे बचे हैं, लगभग निश्चित रूप से एक दो दिन में उनको भी मिल जाएगी जॉब। 10th बैच के तो लगभग सभी को सर इसमें एक भी नहीं बचे, 100% जॉब सर जो आप बोले निश्चित रूप से अभी तक में 10th बैच के सभी बच्चों को मिल गए जितने भी स्टूडेंट थे सर। हमारा फिर एक नया बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए यही बोलेंगे आपको कि ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं सभी फ्रेंड को कहना चाहूँगा आप स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन करें, और एक अच्छा आप जॉब आप कामयाब होना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप स्किल हिंदुस्तान को ज्वाइन करें और आगे आप बढ़ें निश्चित रूप से। तो फ्रेंड्स ये आज जा भी रहे हैं, और इनका जो एक सर्टिफिकेट है जो हम एक देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी हम इनको अभी हैंडओवर करेंगे। तो मैं सचिन सर के को बोलूँगा कि वो आके प्लीज़ इनको इनका सचिन सर प्लीज़ यहाँ पर आएँ और इनको इनका सर्टिफिकेट दें। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप इसी तरह जल्दी से जल्दी आप एक सुपरवाइज़र बने, एक इंजीनियर बने भाई, ये तो आप एक जल्दी से जल्दी एक सुपरवाइज़र बने, इंजीनियर बने, और अपना और स्किल्ड हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। थैंक यू एवरीवन।